नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, माननीय बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने यहां पर प्रत्याशी बनाया और हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई दिल्ली प्रदेश के प्रभारी माननीय सुनील सागर जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। आज मेरा नाम एडवोकेट उमाशंकर गौतम है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। लगातार यहाँ काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा हूँ। जिस प्रकार से आपने पूछा कि आम आदमी पार्टी के जो पूर्व विधायक थे माननीय पंकज पुष्कर जी ने यहाँ पर विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया है। पिछले 4 सालों से 5 सालों से यहाँ नज़र नहीं आए और आज भी नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने उनको टिकट दिया नहीं या किस वजह से नहीं दिया वो उनके पार्टी का इंटरनल मैटर है। रही बात विकास की, तो विकास के मुद्दे पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मलकागंज के अंदर 20 से ज़्यादा ऐसे स्कूल थे जो 70 साल से चल रहे हैं, जहाँ से इस बस्ती के यहाँ के लोगों को, लोकल लोगों के रहने वालों के बच्चे आसानी से स्कूल तक पहुँच सकते हैं। उसके चलते क्या केजरीवाल ने किया, क्या वो सभी 20-25 स्कूलों को बंद कर दिया, उनको तोड़वा रहे हैं लगातार और यहाँ के लोगों को कह रहे हैं कि देखिए हम बार बार ये छोटे स्कूल नहीं चला सकते हैं, आप अपने सारे बच्चों को, आप सभी लोग अपने बच्चों को ये बड़े स्कूलों में भेजिए जो इंटर कॉलेज तक है। यहाँ पर उन्होंने कोई स्कूल नहीं बनवाया है, ना कोई स्कूल का रेनोवेशन करवाया है, बल्कि 20 छोटे स्कूल जो 70 साल से चल रहे थे उनको तोड़वाने का काम किया है। तो विकास के नाम पर आम आदमी पार्टी की जो सरकार 5-6 सालों से रही दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से फेल है और लोगों को झूठा झांसा दे रहे हैं बिजली पानी बिल का, जबकि सभी लोगों के लगातार बिल आ रहे हैं और कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। और एक तरीके से जो आम आदमी पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाया, ऐसा कोई चीज़ ना कोई। अगर जो हम 2008 से देखें, 2008 के बाद 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 आज 2020 में हम लोग हैं, अभी तक कोई भी गवर्नमेंट जॉब ऐसी नहीं निकली है जहां पर लोगों को नौकरियां मिल सकें। केजरीवाल साहब जी वादा करके आए थे कि जितने यहां पर एडहॉक टीचर हैं उन सबको परमानेंट किया जाएगा, आज तक किसी को परमानेंट नहीं किया गया। इन्होंने कहा था जितने फोर्थ क्लास कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उन सभी को परमानेंट किया जाएगा, जल्दी से जल्दी उनको परमानेंट करके उनको एक जगह इस्टेब्लिश किया जाएगा। उनको कुछ नहीं किया, वो आज ऐसे ही है जैसे आज के 6 साल पहले थे, वैसे आज वो आज भी हैं। यहाँ तक कि केजरीवाल सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के जितने फोर्थ क्लास कर्मचारी हैं, कर्मचारी अभी 3 महीने से सैलरी देना शुरू किया, इससे पहले 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने की सैलरी पेंडिंग रही। अभी तक आपने पिछले साल तक देखा होगा कि दिल्ली प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में कर्मचारी लोग जो हैं वो अपना आंदोलन कर रहे थे सैलरी मांगने के लिए, गलियों से कूड़ा नहीं उठा रहे थे। यहीं पर ये आपको पूरी तरह से दिखता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश से पूरी तरीके से विकास के नाम पर फेल हो चुकी है और SC ST OBC माइनॉरिटी का कोई वेलफेयर नहीं किया है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली प्रदेश के अंदर। दूसरी बात ये कहते हैं कि हमने दिल्ली के अंदर सभी जगह CCTV कैमरे लगा दिए। ये हम मलकागंज के अंदर बैठे हुए हैं, ये एक बस्ती है, आप किसी भी गली में जाइए कहीं कोई CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ है। CCTV कैमरे जो लगे हैं वो हाई फाई पॉश कॉलोनीज़ में लगाए गए हैं, BD स्टेट में लगाया गया है, मुखर्जी नगर में, तो जहां पर बस्तियां हैं यहां पर भी पूरी तरीके से दोहरा व्यवहार है। तीसरी बात, केजरीवाल साहब ने कहा कि मैं लगातार विकास का कार्य कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई विकास का कार्य ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे लोगों को दिख सके। इसी बात सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, ये कह रहे हैं कि मैं पानी सबको फ्री प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न है आम आदमी पार्टी सरकार से कि जो पानी हमारे लोगों को दे रहे हैं, क्या केजरीवाल और केजरीवाल आम आदमी पार्टी सरकार के सभी लोग वो पानी का सेवन करते हैं या कर सकते हैं कभी? इसी बात कि ये जो सरकारी स्कूल है, इस देश के अंदर दोहरी शिक्षा नीति है कि गरीब के बच्चे तो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अमीर के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अगर जो गरीब अपने बच्चों को इतने हाई फाई स्कूल इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सकता है तो कैसे इक्वलिटी आएगी? सबसे अहम बात कि जो स्कूल भी है, जिन स्कूल का मॉडिफिकेशन हुआ है वो बेसिकली सभी फॉस कॉलोनीज में किया गया है और इन कॉलोनीज में कोई नहीं किया गया है। रही बात गवर्नमेंट सेक्टर डेवलपमेंट का, तो कुछ नहीं हुआ है, कोई नौकरियाँ नहीं हुई लगातार। दूसरी बात, जिस ये दिल्ली तिमारपुर विधानसभा से मैं प्रत्याशी हूँ, इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर
करीब 26 कॉलेज और डिपार्टमेंट आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, दिल्ली विश्वविद्यालय के। बड़ी संख्या में दूर दराज प्रदेशों से हमारी बहन बेटियां यहां पढ़ने आती हैं। आज यहां पर हॉस्टल की कोई ऐसी सुरक्षित व्यवस्था नहीं है जहां पर वो सुरक्षित रह सकें और कम पैसों में रह सकें। आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा था हम आते ही दिल्ली प्रदेश के अंदर हजारों की संख्या में हॉस्टल बनाएंगे, गर्ल्स हॉस्टल बनाएंगे। आज तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ना तो हॉस्टल में मॉडिफिकेशन हुआ है, ना नया कोई हॉस्टल बनाया गया है जहां पर ये लड़कियां रह करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। लड़कियों को तो छोड़िए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र बड़ी संख्या में, मैं तो लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट भी रहा हूँ, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का रहा हूँ मैं, तो आज कोई हॉस्टल ऐसा नहीं है जहाँ पर बाहर से आए हुए बच्चे वहाँ आसानी से रह सकें या दिल्ली के बच्चे जा करके वहाँ पढ़ सकें। और मलकागंज के अंदर केजरीवाल सरकार ने आज तक कोई लाइब्रेरी नहीं बनाया, कोई स्कूल नहीं ऐसा डेवलप किया जहाँ बच्चे वहाँ जा करके पढ़ सकें और अपना अध्ययन कर सकें। बल्कि जो यहाँ इस समाज के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ने जाते थे 70 साल से, 20 से ज़्यादा स्कूलों को तोड़ने का काम किया गया है और हमारे पास उनकी फोटो है, CCTV फुटेज है, सारी चीज़ें। मनीष सिसोदिया तो कह रहे हैं कि अगर जिन्हें अगर कॉलेज या स्कूल नहीं दिख रहे वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं उनको दिखाने का काम करूंगा। मनीष सिसोदिया जी एक बार मलकागंज, तिमारपुर, झुग्गी बस्ती का चक्कर मार के देख लेंगे तो मनीष सिसोदिया तक अगर जो हमारी आवाज़ पहुंच जाए और वो सुने तो एक बार वो मलकागंज में आकर के देखें मनीष सिसोदिया ने क्या विकास किया। 20 से ज़्यादा स्कूल को तोड़ा जा रहा है यहाँ पर, जो प्राइमरी स्कूल तक थे उनको तोड़ा जा रहा है, जो गरीब और मजदूर मजलूम के बच्चे उन स्कूलों में जाकर के शिक्षा ग्रहण करने का काम करते थे, इनका तो काम वही है कि शिक्षा से इन लोगों को कैसे वंचित रखा जाए, शिक्षा से कैसे इनको दूर रखा जाए। मेन चीज़ तो यही है। मनीष सिसोदिया जी जो कह रहे हैं पूरी तरीके से झूठ है। उनको क्या, उनके पास तो सरकारी पैसा आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट पे मीडिया पे चल रहा है उनका। आप चुनाव जीत कराएंगे तो क्या जो समस्या है यहाँ पे जो आप बता रहे हैं उसको पूरा करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। हमारा उद्देश्य ही है डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब ने, माननीय कांतीराम साहब ने और माननीय बहन जी आज उस नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, इक्वलिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी में विश्वास रखते हैं। जिस प्रकार से देश में हम लोगों को शिक्षा से लंबे अरसे से दूर रखा गया है, हमारा पहला उद्देश्य है कि हमारे जो लोग हैं मजदूर मजलूम माइनॉरिटी ST OBC और गरीब के जो बच्चे हैं जो शिक्षा से दूर हैं, जिनको दूर रखा गया है, आज दिल्ली के अंदर शिक्षा को इतना, शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया गया, इतना महंगा कर दिया गया है, गरीब मजदूर के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। हमारा पहला उद्देश्य है कि जहां हमारे लोग रह रहे हैं, जहां पर गरीब मजदूर मजलूम लोग रह रहे हैं, वहां जाकर के स्कूल क्यों नहीं खोले जा रहे हैं। मान लेते हैं केजरीवाल जी की सरकार ने इस मलकागंज के अंदर अकेले 20 से ज़्यादा स्कूलों को बंद कर दिया, सबसे पहला मेरा काम होगा 20 से ज़्यादा ये स्कूलों को चालू करवाना और नए स्कूलों को रीओपन करवाना, यहाँ लाइब्रेरी करवाना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना। अगर दिल्ली प्रदेश के अंदर बसपा की सरकार बनती है तो गारंटेड हम लोगों को फ्री बिजली पानी की जगह लोगों को इस लायक बना देंगे कि उस लोग खुद उसका खर्चा वहन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्रिएट करने का काम किया जाएगा। जिस प्रकार से हमारा मॉडल उत्तर प्रदेश के अंदर, माननीय बहन जी 4 बार CM रहे, आज उत्तर प्रदेश के किसी गांव में चले जाइए, जितने गरीब लोग हैं सभी के पक्के मकान खड़े हुए। केजरीवाल जी तो सिर्फ वादा करते हैं कि हमारी सरकार बनाइए हम रात भर में चमत्कार कर देंगे, 6 साल में उन्होंने किसी भी झुग्गी को परमानेंट मकान बना के आज तक नहीं दिया। माननीय बहन जी 4 बार CM रहे उत्तर प्रदेश में, 6.5 लाख से ज़्यादा रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में लोगों को मकान बना के, क्राइम का ग्राफ जीरो किया, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया। आज दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और देख सकते हैं कि किस प्रकार से हालात ख़राब हैं। केजरीवाल जी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे इनका कुछ दोबारा जनता के बीच में आने के लिए उनको जनता सबक सिखा देगी इस चुनाव में कि उन्होंने क्या विकास किया और क्या वादा करके आए थे लोगों के साथ, क्या वादा कर रहे हैं अब। BJP कह रही है सर मुझे दिल्ली में अगर ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी तो विकास होगा। देखिए रही भारतीय जनता पार्टी की बात, विकास को इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट को इंग्लिश में ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ 3-डायमेंशनल एरिया, इट इज़ नॉट अ सिंगल डायमेंशन।
कि थ्री डायमेंशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इट इज़ अ थ्री डायमेंशनल, और जब तीनों डायमेंशन में देखेंगे तो आपकी वो डायमेंशन कहीं नज़र नहीं आ रही है। और बीजेपी की तो हालत बहुत ही ख़राब है इस देश के अंदर। आप देख रहे हैं कि लोग कितना परेशान है, कितना लोग रोड पर, आज हर आदमी रोड पर है। किसी चाहे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, आप CBI का डिस्प्यूट देख लीजिए, एट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडहॉक टीचर्स हैं, भले मात्रा में उनको निकालने का काम किया था, आज भी वो BC ऑफिस के बाहर आंदोलन पर बैठे हुए हैं। JNU में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं बची हुई है जहाँ आंदोलन ना रहा हो। और भारतीय जनता पार्टी को सभी लोग जानते हैं, बरेली के लोग, आज देश में सभी लोग जितना युवा है वो देख रहा है किस प्रकार से इन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन की ओर ले लिया, कितने सेक्टर को इन्होंने प्राइवेट किया। इनकी पहली सरकार आई, इन्होंने वहाँ से प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट किया, रिजर्वेशन में प्रदूषण खत्म किया। और सबसे बड़ी बात, अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने SC एक्ट को खत्म करने का काम किया, दोबारा इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद दोबारा उसको लेकर के आए। यहाँ तक आज कोई आंदोलन करता है तो निर्दोष लोगों की आवाज़ दबाने का काम किया जा रहा है। BJP तो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, और केजरीवाल चालाकी से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं लालच दे करके लोगों का। लोगों को जिस प्रकार से विकास के नाम पर उनको एजुकेशन तक पहुँचाना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन तक पहुँचाना, और एजुकेशन तक पहुंचाना ही नहीं बल्कि लोग जो पहुंच गए हैं उसकी रिक्रूटमेंट रखते हैं, उनको बड़ी मात्रा में गवर्नमेंट सेक्टर में रिक्रूट करने का काम आम आदमी पार्टी को करना चाहिए, जो 6 साल से नहीं कर पाई, जो अपने वादों पर पूरी तरीके से फेल हुई और फेल होते हुए नजर आ रही है। और मेरा ये मानना है कि ये केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ झूठे वादों पर आती, झूठे वादा करके हमारे लोगों को बहका करके, जो बाबा साहब ने हमें एक अहम अधिकार दिया कि 1% सिंगल पर्सन सिंगल वोट सिंगल वैल्यू, 1% 1 वोट 1 वैल्यू, उसको पूरी तरीके से कैप्चर करने का काम करती झूठे वादा करके, और फिर 5 साल हमारे लोगों को अपने पीछे घुमाती है कि हम देखो आपको ये दे देंगे वो दे देंगे। केजरीवाल सरकार 6 साल से है दिल्ली प्रदेश के, पिछले 3 महीने के अंदर बिजली पानी पर उन्होंने क्या किया, 3 महीने के अंदर पिछले दो तीन महीने से ही इन्होंने क्या किया, जो बिजली पानी है उसको सस्ता करने का काम किया है। जबकि अम्बेडकर ने 1926 में पानी के लिए आंदोलन किया, सभी को फ्री पानी देने के लिए। एवं हमारा भारतीय संविधान कहता है कि देश के अंदर कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा और उसको फ्री पानी मिलेगा। तो पानी के चार्ज आते हैं क्यों, सरकारें क्यों ला रही हैं? हमारी बहन जी की जब सरकार उत्तर प्रदेश में 4 बार रही, 4 बार हमने पानी का तो बिल नहीं लिया किसी से, हमने फ्री पानी देने का काम किया। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर पानी का बिल आता है, लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के जो राजनीति कर रहे हैं कि देखिए हम आपको पानी फ्री दे रहे हैं, जबकि दुनिया के किसी देश में पानी का बिल नहीं आता है। 8 फरवरी को मतदान है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने तिमारपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? तिमारपुर जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी का छोटा भाई एडवोकेट उमा शंकर गौतम बहुजन समाज पार्टी से चुनाव चिन्ह हाथी 8 फरवरी को घर से निकले, इन बेईमान लोगों को ये सबक सिखा दें कि जनता इस तिमारपुर विधानसभा की जनता आज भी सबसे शिक्षित ईमानदार व्यक्ति के साथ और कर्मठ व्यक्ति के साथ खड़ी है। 8 तारीख को जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर के हाथी का बटन दबाएं और अपने छोटे भाई उमा शंकर गौतम को यहाँ से जिताने का काम करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज़। नमस्कार।